আমার বলে नमस्कार, मैं वर्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में क्रिएशन बाय थॉट में। और आज का विषय है कि क्या एक यूट्यूबर की जर्नी इतनी खतरनाक, दर्दनाक और स्ट्रगलफुल रहती है? कैसे वो 5 मिनट की वीडियो में आपको हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं और बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो जानिए आज का यूट्यूबर की स्ट्रगल की कहानी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक यूट्यूबर की स्ट्रगल की कहानी कि उनके पीछे का रहस्य क्या है, वो 5 मिनट का राज क्या है। चलिए आज हम जानते हैं। आज की वीडियो पे आप बने रहिएगा। अगर आज की वीडियो में आपको मजा ना आए तो आपके सारे पैसे वापस करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पैसे आपको वापस मिल सके। और आज हम देखेंगे कि एक यूट्यूबर की दास्तान, एक यूट्यूबर की कहानी, एक यूट्यूबर का दर्दनाक जर्नी। तो आज हम रूबरू कराएंगे इस यूट्यूबर की जर्नी। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सपोजर तो सेट करो। उम्र सारी देखो सही आ रहा है, कलर भाग रहा। चलो दिख रहा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ साइना का फेस सीरम। भी फेस को हाइड्रेट और फ्रेश भी करता है। Oh no! और अब मैं यूज करूँ एडीएस की लिप एंड आईब्रो पेंसिल। अंदरूनी सूजन घटाए, दर्द को जड़ से। मम्मी टीवी धीमी कर लो। मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। अब पेशेंट्स आके बताते हैं कि ये कब करता है। यार तुम चुराओगे। ठीक है ना, सही लग रही है ना? देखो हमको देख के बताओ। मुझे लग रही है, लग रही है। ठीक है, आना आना हो गया। हाँ? फिर से करा। अब बॉर्डर क्लीन करने के लिए मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। टमाटर है, बैंगन है, मूली है, धनिया है, अरे मिर्चा है, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा है, गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, मूली है, धनिया है, मेथी है, आलू है, बैंगन है, टमाटर है। चलो प्ले करो। एक्सपोजर सही है ना? ठीक सही है। प्ले आई बेस लगा ले रहे और फिर से बोल रहे कि कंसीलर से आई बेस लगा दिया ना। सो फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ये अब मैं लगा रही हूँ 3-in-1 का नहीं। सो फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ, ठीक है ना? अब मैं लगा रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ये प्रोडक्ट भी करता है, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग, प्लस ये ऑयल फ्री भी है। सो ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा ये प्राइमर है।
फ्रेंड्स अब मैं यूज कर रही हूँ मॉर्फी का जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट। ये बहुत ही प्यारा अमेजिंग आई शेडो पैलेट है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर ट्राई करें। सो ये बहुत ही प्यारा अमेजिंग, इसमें सारे कलर से बहुत ही पॉपअप कलर हैं, और ये देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं। रद्दीप पेपर वाले कबाड़ वाले सीसी बोतल बैग डाले रद्दी पेपर बैग डाले कबाड़े। और इसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन में आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से प्लीज जरूर चेकआउट करें। सबसे पहले मैं बटर शेड को पिक करूंगी, बहुत ही प्यारा लाइट कलर है और इसे मैं यूज करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। सो इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। सो अब मैं जैक्स कलर को पिक करूंगी, ये एक रेडिश कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है ये। सो अब हम इसे अपनी क्रीज पे से मैं लगाऊंगी। सो हमारा आई शेडो जो है वो अच्छे से लग गया है और अब थोड़ा सा आई शेडो को डार्क करेंगे, डीप करेंगे। तो मैं सेम उसी पैलेट से यूज करूंगी एक डार्क शेड, सेम इसी पैलेट से मैं ये डार्क शेड पिक कर रही हूँ। ये थोड़ा सा वुडी कलर है और इसे थोड़ा सा अपनी क्रीज को मैं डेप्थ करूंगी, जिससे जब हमें कट क्रीज अपनी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। पेंसिल ब्रश है ये और हम इसे थोड़ा सा क्रीज को डेप्थ करेंगे, हल्का सा डार्क करेंगे, जिससे जब हम आई शेडो लगाएंगे या कट क्रीज जो बनाएंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब मैं यूरोप गर्ल कंसीलर से अपनी क्रीज को मैं कट करूंगी। फेस मेकअप में सबसे पहले हम लगाएंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो है मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन शेड जो है 330 फाउंडेशन, और जो फाउंडेशन है वो मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन और शेड जो है वो 330 टॉफी शेड है इसका, और इसे मैं पूरे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इसे हम अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे, बहुत ही अच्छा कवरेज फाउंडेशन है, फुल कवरेज तो मैं नहीं कहूंगी बट ये है कि अगर आप 1 to 2 times इसे अगर अप्लाई करोगे फेस पे तो ये आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है अगर आप कहीं जल्दी जा रहे हो तो। ये फाउंडेशन आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रेंड फाउंडेशन हमारा लग गया और अब हम फिर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यूरोप गर्ल का कंसीलर शेड जो है वो है एमेंड शेड है, और इसे मैं अपने जहां जहां मुझे जरूरत है वहां वहां मैं इसे लगा के फेस को हाईलाइट करूंगी। फाउंडेशन को हम सेट करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कलोरेसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर, सेम उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अब हम इसे सेट कर लेंगे। सो फ्रेंड फाउंडेशन हमारा सेट हो गया और अब हम ब्रॉन्जर लगाएंगे, जिसके सो मैं यूज करी सिवाना का ब्लश पैलेट, और इसमें आपको कई शेड मिलेंगे ब्लश के साथ ही साथ आपको दो शेड मिल रहा है ब्रॉन्जर, देन उसके साथ आपको मिल रहा है एक हाइलाइटर।
ये बहुत ही प्यारा यू नो ब्रॉन्जर ब्लश पैलेट है ये, थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करेंगे। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर में जो यूज कर रही हूँ सिवाना का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, काफी शेड इसमें आपको मिलेंगे, तो मैं सारे शेड को यू नो स्लाइड करूंगी और मुझे सारे शेड लगाना है, मुझे सारे शेड अब थोड़ा सा इनर कॉर्नर में भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं लगाऊंगी लिप कलर, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी के लिक्विड मैट कलर, और शेड जो है वो ब्राउन शेड है। सो इसे मैं अपने लिप पे अप्लाई करूंगी। मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है और अब फेस को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। बहुत ही अच्छा है, इसमें आपका एलोवेरा विद विटामिन ई इंक्लूड है। एंड नाउ दिस इज माय फाइनल लुक।